87 टू जा, सो 87 इंटू टू इज योर 174. ओके ठीक है. वेल, 8 और 7 का टेबल सबको आता है, बट 87 का, बाप रे बाप, इट्स लाइक कौन निकालेगा 87 का, राइट? तो अगर 87 का निकालना, तो अगेन मल्टीप्लाई एंड राइट डाउन द आंसर, उसका आंसर लिख देना है. लाइक, तो इन दिस वीडियो वी विल फाइंड आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 87. इसका हम टेबल निकालने वाले हैं यूजिंग दिस 8 एंड 7. एंड यू मस्ट बी थिंकिंग, हाउ 8 और 7 के टेबल से कैसे 87 का निकलेगा? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इन टू द वीडियो एंड फाइंड आउट कैसे. सेवन का टेबल निकालने से पहले डू टेल मी, आपको कितने तक का टेबल आता है? 1 to 10. वेल, दैट्स रियली ऑसम. 1 to 10, इट्स लाइक वाओ, आपने पहाड़ तोड़ दिया है. बट पहाड़ तोड़ने के बाद, आफ्टर दैट, उसके बाद क्या करना चाहिए? पहाड़ तो टूट गया, उसके बाद भी तो कुछ करना है, राइट? सर, पहाड़ तोड़ने से कुछ नहीं होता है. पहाड़ तो हम लोग अपने ठीक कर दिया, उसके बाद हम कुछ कर सकते काम, राइट? तो इन दिस, नाउ वी विल यूज दिस 8 and 7, और इस 8 एंड 7 टेबल का यूज़ करके हम लोग 87 का टेबल फाइंड आउट करेंगे. वेल, चलो, स्कूल में हम लोग को क्या बोलते हैं, जनरली अप टू 20 याद कर लो, अप टू 30 याद कर लो, बट इज़ दैट इनफ? 30 तक ठीक है याद कर लिया, बट उसके बाद इसका जब जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? देन व्हाट वी विल डू, अगर 87 का टेबल निकाला, देन व्हाट वी हैव टू डू? तो एवरीवन नोज, राइट, वैदिक मैथमेटिक्स, उसमें ऐसे बहुत से ट्रिक्स शेयर किए हुए हैं, बहुत से ट्रिक बताए हुए हैं, जिस जो हम लोग यूज़ कर सकते, दैट वी कैन यूज़, एंड यूजिंग दैट वी कैन फाइंड आउट सो मेनी थिंग्स. आप ऐसे लगता है नहीं, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं होगा, बट वैदिक मैथमेटिक्स इज़ लाइक, उसमें ऐसे ट्रिक्स शेयर किए हुए हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं. जस्ट लाइक बिफोर, तो मैंने पहले 2 years ट्रिक्स शेयर किए हैं कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दैट एन, अगर एन में 5 हो, अगर 5 के अलावा कोई नंबर हो, तो हाउ वी कैन यूज़ एंड फाइंड आउट द मल्टीप्लीकेशन एंड वट एवर द नंबर. ठीक है, तो देखते हैं 8, the table of 8, how we can find out the table of 87 using this 8, the table of 8 and 7. So, देखो. So what you have to do, the first step is, ये जो 7 का table है, as you can see, this is 87, 80 plus 7, 87 is your 80 plus 7. तो यहाँ पर 8 और 7 दिख रहा है, right? So what you have to do, the first step is, यू हैव टू राइट वॉट एवर. 7 को ध्यान से देखो, जो 7 का टेबल में यूनिट्स प्लेस है, यू हैव टू राइट एज इट इज़ ओवर हेयर. तो यूनिट प्लेस मतलब ये 4, 1, 8, ये बस एज इट इज लिख दो. 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3, 0, एज इट इज़ आई हैव रिटन दिस यूनिट प्लेस, जो 7 के टेबल में यूनिट प्लेस में है, वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, वॉट यू हैव टू डू, इसको लेना है 08 08, और इस 0 को, मतलब 8 का एज इट इज लेना है, और 7 का जो आपका टेंथ प्लेस में है वो नंबर लेना है. आफ्टर दैट देखो, आफ्टर दैट 08 प्लस दिस 0, 08 प्लस 0, तो ये हो गया आपका. ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज, 7 का हमने क्या किया था, एज इट इज़ लिखा, एज इट इज़ जो यूनिट प्लेस में है, एज इट इज़ यू हैव टू राइट. तो 7 का 7 यूनिट प्लेस में लिख दिया, 4 का 4 ये, एंड व्हाट यू हैव टू डू, जो ये 08 है, 8 का एज इट इज़ नंबर लेके इसका जो टेंथ प्लेस में उसके साथ ऐड करना है, और इस यूनिट प्लेस के आगे जो भी नंबर है टेंथ प्लेस, वहाँ पर लिखना है. तो 08 प्लस 0 दैट इज़ 8, तो 87 हो गया, टेंथ प्लेस में लिखना है. द नेक्स्ट स्टेप इज, जो ये 16 है, 8 का जो भी नंबर है, that you have to add with the tens place of 7, जो इसके टेबल में टेंथ प्लेस में है वो लिखना है. तो 16 plus 1 is your 17, so that just write it over here. And as you can see in the first, we have already done this one, 87 into 2 is a 174, आ गया. तो चलो बाकी करके देखते हैं. तो 24 अगेन दिस वन, एंड दिस इज अ टेंस, राइट? तो 24 प्लस 2 इज योर, 24 प्लस 2 इज योर, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 26.
ठीक है, ये हो गया अगेन 32 प्लस 2 इज क्या होगा, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, अरे जल्दी बोलो रे, अरे सॉरी गलत लिख गया था, 32 प्लस 2 इज 34। अगेन द सेम, जो भी 8 में है दैट यू हैव टू ऐड विद द 7 का जो नंबर वहाँ पर टेंथ प्लेस में है, ठीक है। तो टेंथ प्लेस में मतलब 40 प्लस 3, दिस विल बी योर 435, ओके। एंड अगेन सेम जो इसमें नंबर है और उसका टेंथ प्लेस में ऐड करना है, तो 48 प्लस 4 इज योर 52, ठीक है। अगेन दिस 56 प्लस 4 इज योर क्या हो गया, ये बोलो जल्दी बोलो यार, इतना धीरे क्यों करते हो, 56 प्लस 4 इज योर 60, अरे प्लस तो जल्दी करना चाहिए राइट। अगेन 64 प्लस 5 इज योर क्या होगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 56 पर, ठीक है मैं पहले लिख तो दूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। 64 प्लस 5 इज योर 71, तो 716। अगेन दिस 8 में जो भी है और ये इसका टेंथ प्लेस, तो 72 प्लस 6 इज योर 78, ठीक है। और ये 80, इसका तो ऑलरेडी 87 × 10 है, इट विल बी 870, फिर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं 80 प्लस 7, तो दिस इज योर 87। सो 87 टू जा जो हमने पहले ही निकाल दिया, 87 थ्री जा दिस विल बी 87 × 4 5 6 7 8 9 10, ओके। लाइक दिस वी कैन यूज़ आवर ट्रिक, और हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स यूज़ करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। मतलब ये तो थोड़ा 87 आपका बड़ा नंबर हो गया, चलो एक थोड़ा छोटा नंबर फाइंड करके देख लें। कौन सा नंबर फाइंड आउट करें बोले, अच्छा 28 करें, 28 का तो टेबल सबको आता होगा, तो 28 करते थे। 28 के लिए वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज़ द टेबल ऑफ 2 एंड 8, तो लेट्स फाइंड आउट। ओके सो फॉर फाइंडिंग फाइंड आउट 28 का टेबल निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको 2 एंड 8 का लेना पड़ेगा, द टेबल ऑफ 2 एंड द टेबल ऑफ 8। सो 28 द फर्स्ट स्टेप, एज आई सेड बिफोर, द फर्स्ट स्टेप इज जो भी 8 का यूनिट प्लेस में है दैट यू हैव टू राइट एज इट इज ओवर द यूनिट प्लेस ऑफ 28। तो 8 का 8 आ गया, 6 का 6 आ जाएगा, 4 का 4, इसका 2 0 8 6 4 2 0, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट यू हैव टू डू, जो भी इसका ये नंबर है और इसका जो टेंथ प्लेस में दैट यू हैव टू ऐड इट, तो इसका क्या हो जाएगा 0 2 प्लस 0, सो वो आपको लिखना है द टेंथ प्लेस जो भी इसका आएगा, दैट मीन्स 28 में 8 जो हमने एज इट इज लिखा था, और ये 2 0 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। द नेक्स्ट स्टेप इज अगेन इसका सेम और इसका टेंथ प्लेस में जो नंबर है, तो 0 4 प्लस 1 विल बी योर 5, ठीक है। 0 5 बोलो 5 बोलो एज इट इज, तो आपने 56 इसका आंसर निकाल दिया, किसका, द 28 2 ज़ 56। तो सेम अगर 0 6 और इसको लेना है 0 6 प्लस 2 इज योर 8, अरे यार रिपेंस लिखना है 8। सो 28 3 इज योर 84। द सेम वे इसका जो भी 2 का है वो सेम लेके देन यू हैव टू ऐड विद द टेंथ प्लेस ऑफ 8, सो 0 8 प्लस 3 इज योर 11। तो 1 1 2 इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 28 × 4। सो द नेक्स्ट स्टेप इसका जो भी है 10, इसका टेंथ प्लेस लेके, सो 10 प्लस 4, मैं कर देती हूँ जल्दी यार, बार बार कौन करेगा, ठीक है। सो 12 प्लस 4, सेम वे इसका भी ये हो जाएगा 14 14 प्लस 5, इसका 16 16 प्लस 6, और इसका हो जाएगा 16 प्लस 7, ठीक है थोड़ा सा, तो इस 18 प्लस 7। और सेम वे तो इसका तो करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी 28 × 10 इज या 280, तो फिर भी 28 इसका टेंथ प्लेस में, दिस 20
प्लस 8 दैट विल बी योर 28. तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो 10 प्लस 4 इज योर 14, 12 प्लस 4 इज योर 16, 14 प्लस 9 14 प्लस 5 इज योर 19, 16 प्लस दिस इज योर 22, 18 प्लस 7 इज योर क्या होगा 15 होगा 152, 20 प्लस 8, 20 प्लस 8 का हो जाएगा. होप यू रियली लाइक दिस वैदिक मैथमेटिक्स ट्रिक ओवर हियर टू फाइंड आउट द टेबल ऑफ एनीथिंग. अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, इफ नॉट यू कैन यूज दिस वन. बट पहाड़ ज़रूर तोड़ना, तो पहाड़ तोड़ने के लिए यू हैव टू देखो जैसे 8 और 2 का हमने निकाला, तो पहाड़ तोड़ने के लिए वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न द टेबल फ्रॉम 1 टू 10. वेल इफ यू रियली लाइक माई वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो. साइनिंग आउट श्वेता.